दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी सीरियल की जानी मानी एक्ट्रेस श्रीजिता दे के बारे में, जिन्हें बिग बॉस 16 में हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। वैसे तो श्रीजिता फर्स्ट राउंड में ही इस सीजन से एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन योगा एक्सपर्ट के तौर पर बिग बॉस शो में दोबारा एंट्री कर इन्होंने सबको चौंका दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या है आईफल टावर वाले प्रपोजल का किस्सा, जो श्रीजिता के लिए है काफ़ी खास। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए पहले हम जान लेते हैं श्रीजिता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, बिग बॉस में हुई श्रीजिता की वापसी पर सबसे ज़्यादा शॉक्ड हुई टीना दत्ता। टीना दत्ता और श्रीजिता की नोकझोंक की खबरें तो अक्सर आपने सुनी ही होंगी। नोकझोंक से इनका पुराना रिश्ता है। वैसे इस नोकझोंक की शुरुआत उत्तरन के टीवी सीरियल से हुई। दरअसल ये झगड़ा लीड रोल के लिए था, जो काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। टीना और श्रीजिता दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी नेगेटिव लगती है। आपको बता दें कि श्रीजिता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और फिर धीरे धीरे टीवी सीरियल्स में इनकी एंट्री हो गई। टीवी सीरियल्स उत्तरन में मुक्ता का रोल और कोई लौट आया है में काव्या का रोल से इन्हें काफ़ी पब्लिसिटी मिली। और टीवी सीरियल्स के अलावा इन्हें बॉलीवुड मूवीज़ लव का दी एंड, मॉनसून शूटआउट और रेस्क्यू में भी देखा गया। श्रीजिता ने वेब सीरीज में भी काम कर अपने करियर को आगे बढ़ाया है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्रीजिता हाल ही में टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 16 में भी देखी जा रही हैं। श्रीजिता का जन्म 19 जुलाई 1989 को बंगाल के हल्दिया में हुआ। ये बचपन से ही काफ़ी सुंदर थी। इनके बचपन का नाम मनाली है। सेंट जेवियर स्कूल हल्दिया से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की और रामनारायण रूनिया कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। वैसे तो श्रीजिता जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने इनके लिए एक्ट्रेस के दरवाजे खोल दिए। इनके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार हैं। बचपन से ही डांस की शौकीन रही श्रीजिता को माँ बाप का खूब प्यार मिला। इनके पिता का नाम स्वप्न कुमार दे और माता का नाम लिपि दे है। श्री अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। श्रीजिता बताती हैं कि उनके करियर में उनकी मदर का बहुत ही सपोर्ट रहा। श्रीजिता कहती हैं कि मेरी मदर ही मेरी बॉस, मेरी मेंटर और मेरी मोटिवेटर रही, जिनके सहयोग से मैंने अपने करियर को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप लोग भी यह मानते हैं कि पेरेंट्स ही फर्स्ट टीचर एंड मेंटर होते हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बचपन से ही श्री डांस में काफ़ी एक्टिव थी और इन्होंने कथक डांस में अपने आप को काफ़ी एक्सपर्ट बना लिया था। श्रीजिता मानती हैं कि एक्टिंग में भी डांस का बहुत बड़ा रोल है और इस टफेस्ट करियर में इंसान को ऑप्टिमिस्टिक भी होना पड़ता है, तभी हम इस फील्ड में कंटिन्यू रह सकते हैं। श्रीजिता को योगा करना, मेडिटेशन करना और लाइटवेट एक्सरसाइजेस करना काफ़ी पसंद है, जिससे कि वे अपने आप को फिट रख सकें। वे डॉग लवर भी हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत बार पिक्स भी शेयर करी हैं। श्रीजिता का बंगाल से काफ़ी गहरा नाता है। इन्हें वहाँ के कल्चर इवेंट्स में भी काफ़ी बार देखा गया है। अभी तो श्री काम के सिलसिले में मुंबई रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा फ्री होती हैं तो वे अक्सर वैकेशन मनाने के लिए, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए शिमला, मंसूरी भी जाती हैं। श्रीजिता घूमने के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाती रहती हैं। इनकी लव लाइफ की बात करें तो श्रीजिता 2019 से जर्मन बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हैं, जिनका नाम माइकल ब्लॉहम पेप है। एक दिन श्रीजिता और माइकल शाम को टहल रहे थे। लगभग
7:30 बजे का समय था। मौसम भी काफ़ी ठंडा था। माइकल चलते चलते अचानक से रुक गए और अगले ही क्षण वो घुटनों पर थे। शिजिता बताती हैं कि माइकल के इस प्रपोजल को देख मेरे दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई और मुझे घबराहट सी होने लगी। सब रुक सा गया था वहाँ, जैसे दुनिया थम सी गई हो और समय की सुई ने चलना बंद कर दिया हो। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। मैं शॉक्ड थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आईफिल टावर के सामने मिलने वाले ये ड्रीम प्रपोजल का अनुभव बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने चाहने वालों को कुछ इस तरह का ड्रीम प्रपोजल करना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए। 21 दिसंबर 2021 के दिन श्रीजिता और माइकल सगाई के बंधन में बंध गए। ऐसा कहा जाता है कि श्रीजिता जल्द ही अपने फियांसे माइकल के साथ शादी के बंधन में बन सकती हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस और न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।